जमुई को आने वाले समय में एजुकेशन एवं इंडस्ट्रियल हब बनाया जाएगा। साथ ही जिले में महिला कॉलेज की स्थापना करना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। ये बातें शनिवार को शहर स्थित एक निजी विवाह भवन में आयोजित यूथ सम्मेलन को संबोधित करते हुए जमुई के निवर्तमान सांसद चिराग पासवान ने कहा। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों के शासन काल में जो भी छोटी बड़ी समस्या उनकी संज्ञान में आई, उन्होंने उसे पूरी ईमानदारी से निपटाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही जमुई लोकसभा क्षेत्र में फैक्ट्रियों का निर्माण कराया जाएगा, जिससे जिले से बाहर जाने वाले युवाओं का पलायन रोका जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जमुई में जो विकास कार्य 5 वर्षों में हुआ, वो आजादी के बाद शायद पहली बार हुआ है। वहीं केंद्र के नरेंद्र मोदी द्वारा देश के विकास के लिए कई तरह की योजनाओं को लागू कर लोगों के जीवन में बदलाव लाने का कार्य किया है। कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रकाश कुमार भगत, भाजयुमो के जिला अध्यक्ष नीरज शाह, विवेक कुमार सिन्हा समेत सैकड़ों की संख्या में युवा उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद सांसद चिराग पासवान व्यवहार न्यायालय पहुंचे और सभी अधिवक्ताओं के बीच जनसंपर्क कर पीएम के कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। वहीं व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ताओं ने सांसद का स्वागत फूल मालाओं से किया। सन्मार्ग के लिए जमुई से अर्जुन अर्णव की रिपोर्ट। ये जन समर्थन के बारे में मुझे लगता है आप सब मुझे ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। मैं सिर्फ अपने काम के आधार पर लोगों से उनका आशीर्वाद मांग रहा हूँ। मैं किसी भी मन से, और आप मेरे कोई भी भाषण देख लीजिए, मैं कोई अपने विरोधियों पे टिप्पणी नहीं कर रहा, अपने प्रतिद्वंदियों पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। उन्होंने क्या किया नहीं किया, 5 साल उनके पास भी थे जनता के बीच में, 5 साल मुझे भी मिले जनता के बीच में, बस मैं लोगों से सिर्फ अपने काम के आधार पर। देखिए, अब मैं चाहता हूँ, मैं पिछले 5 साल में मैं चाहता था कि मैं यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज लेकर आऊँ, बट मैंने जितने भी लोगों से बात की, शुरू में कहीं ना कहीं एक असुरक्षा का भाव था उनके मन में। निवेश करने से पहले वो चाहते थे कि यहाँ की नींव पहले मजबूत हो, और मुझे खुशी है कि पिछले 5 सालों में बिजली से लेकर सड़क से लेकर कई ऐसी चीजें हैं जो हम लोग दुरुस्त कर पाए, और सुरक्षा का एक भाव भी आया। आज सारे पत्रकारों ने जिस तरीके से प्रमुखता से न्यूज चैनल्स पे हमारी जमुई लोकसभा को दिखाया, इससे पहले इतनी चर्चा में कभी जमुई रही नहीं, तो धीरे धीरे लोगों में भी जागरूकता आई। अब मेरे तमाम उन लोगों से बातचीत हो रही है जो यहाँ पर निवेश करने को तैयार है। मैं इसको इंडस्ट्रियल हब, साथ ही साथ एजुकेशनल हब मैं चाहता हूँ। यूनिवर्सिटीज भी यहाँ पर आएँ, महिलाओं के लिए महिला कॉलेज मेरी प्राथमिकता में से एक होगी एजुकेशनल हब में, और वहीं रोजगार से के विषय से जुड़कर इंडस्ट्रियल हब मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ। आने वाले 5 साल में मेरा रोड मैप यही है। जहाँ भी जा रहा हूँ, जो लोगों का विश्वास पिछले 5 सालों में मेरे ऊपर बना है और बरकरार रहा है, जो स्नेह उनसे मिल रहा है, विश्वास पूरा है कि जीत सुनिश्चित है, बट अपनी मेहनत मैं पूरी करता रहूँगा। सन्मार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।